हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है उसका टाइटल देख करके ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग आज किस चीज पे बात करेंगे। तो हम लोग आज बात करेंगे धरती पे नर्क यानी कि नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसे अजीबो गरीब कानून व्यवस्था है जिसके वजह से मैं मानता हूँ कि वो धरती पे नर्क है। कैसे आपको भी पता चल जाएगा, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करने से पहले जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है और चाहता है कि ऐसा कूल और ऑसम वीडियो का अपडेट उसको मिलता रहे, तो प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। इससे ये होगा कि हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत फटाक से मिल जाएगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब करे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला, बाल कटवाने को लेकर के कानून। 2013 में नॉर्थ कोरिया के लीडर किंग जोंग यून ने बालों को लेकर के एक बहुत ही अजीबोगरीब फैसला सुनाया और उन्होंने नॉर्थ कोरिया के नागरिकों के हेयर स्टाइल को नियमित करते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया में आज से सिर्फ 28 तरह के हेयर स्टाइल को मान्यता प्राप्त होगी, जिसमें से 10 हेयर स्टाइल मर्दों के लिए थे और बाकी 18 हेयर स्टाइल औरतों के लिए थे। और जो एक हेयर स्टाइल जिसके ऊपर जोंग यून ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया वो था स्पाइक हेयर। और इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा विचित्र बात ये थी कि किम जोंग यून वो खुद इस कानून का पालन नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि उनका खुद का जो हेयर स्टाइल है वो भी जो 28 हेयर स्टाइल उन्होंने मेंशन किया उसमें से नहीं है। दूसरा, नॉर्थ कोरिया की सरकार ये तय करती है कि वहाँ की राजधानी में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। अगर हम अपने देश की बात करें तो अगर हमें जहाँ रहना होता है हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपना सामान पैक करते हैं और उस जगह को छोड़ करके जहाँ हमें रहना है वहाँ जाते हैं, एक नया जगह लेते हैं और वहाँ पर बस जाते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ के नागरिक हैं और आपको वहाँ के राजधानी प्योंगयांग में रहना है तो आपको वहाँ के सरकार से खास तौर पे इस चीज की परमिशन लेनी होगी। नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है वो वहाँ के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और लॉयल यानी कि सबसे ज्यादा सफल और ईमानदार लोगों के लिए रिजर्व्ड है, तो बदकिस्मती से आप वहाँ नहीं रह सकते भाई। तीसरा, हर किसी को वोट करना ही करना है। नॉर्थ कोरिया में एक कानून है जिसमें हर एक सिटीजन यानी कि हर एक नागरिक जो नॉर्थ कोरिया के है उसको वोटिंग करना ही करना है। इसमें बस एक ही बात है कि वहाँ के जो लीडर है किम और उनकी फैमिली के खिलाफ कोई भी आज तक गया नहीं है और ज्यादातर लोग उनके खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने से काफी डरते हैं। नॉर्थ कोरिया को कहा जाता है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। हालांकि देखा जाए तो वहाँ के नागरिक के पास डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किंग जोंग और उनकी फैमिली के अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी हुआ करती थी, लेकिन असलियत तो यह है कि वो भाड़े के टट्टू थे, वो पॉलिटिकल एक्टर्स थे जिन्हें चुनाव हारने के लिए पैसे दिए गए थे। चौथा, आप टीवी में क्या देखते हैं ये गवर्नमेंट तय करती है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं तो आप अपने टीवी ऑन करके गेम्स ऑफ थ्रोन्स नहीं देख सकते या फिर द कार्डशियंस नहीं देख सकते या कॉफी विद करण नहीं देख सकते या कपिल शर्मा शो नहीं देख सकते। और इतना ही नहीं, पूरे दुनिया भर में क्या चल रहा है, अलग अलग देशों में क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी आप नहीं ले सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में आपको सिर्फ 3 टेलीविजन स्टेशन के चॉइसेस मिलते हैं और वो भी गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं और उनमें भी आप केवल उनके प्रचार प्रसार और प्रस्ताव ही देख पाएंगे, इससे ज्यादा आप कुछ देख नहीं पाएंगे। इवन इतना ही नहीं, आप इंटरनेट में भी गूगल करके आप कुछ सर्च नहीं कर सकते। तो जरा सोचो मेरे भाई कि जब आप हमारा चैनल लर्नर बॉय को नहीं देखोगे तो आप इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करोगे। पांचवा, वहां पर दूसरे धर्म के होली बुक्स यानी कि पवित्र किताब जैसे बाइबल हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, रखना गैरकानूनी है। नॉर्थ कोरिया में इस तरह के होली बुक को एक बाहरी देश का सिंबल माना जाता है, एक वेस्टर्न कल्चर का सिंबल माना जाता है और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया में ये सारी किताबें बैन हैं। नॉर्थ कोरिया के हिसाब से अगर वहाँ कोई भगवान है तो वो है वहाँ की सरकार और उसके लीडर किम और उनकी फैमिली। और अगर आप इन पवित्र किताबों में से किसी एक के साथ भी पकड़े गए तो आपको सीधा जेल में ठूस दिया जाएगा। नंबर 6, आपके गुनाहों के वजह से आपकी फैमिली को भी सजा मिलेगी। अगर आप सोचो कि अगर आप कोई जेल में हो, अगर आप वहां से भागने की कोशिश करते हो तो आप तो फरार हो जाओगे लेकिन उसका खामियाजा आपके परिवार को भुगतना होगा, यानी कि आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके माँ बाप, आप, आपकी बीवी, आपके भाई बहन, आपके बच्चे और उनके बाद का जनरेशन अगर प्रेजेंट है तो उनको भी आपके वजह से सजा मिलेगी। ये कानून इसलिए बना है ताकि कैदी अपने जेल में ही रहे। ये कानून इतना बेकार है कि इसके खिलाफ कई सारे मुल्कों ने अपील की और बोला कि ये सरासर ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत के खिलाफ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। दरअसल ये पहला पार्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर से हमारा दूसरा पार्ट जा करके देखें, वो भी हमारे लिस्ट में है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने सोशल मीडिया में इसको शेयर करें और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो उसको कमेंट में लिखें। और भाई जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसा और भी वीडियो बनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।